खबर बांदा जनपद से है, जहां बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कमासिन रोड पर बाइक सवार तीन लोगों को अज्ञात फोर व्हीलर बाहर ने टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुनहुली गांव के मोड़ के पास बाइक सवार तीन लोगों को अज्ञात फोर व्हीलर गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई, वहीं एक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से तीनों को बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा शिकदार 50 वर्ष व सुखराम 47 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक युवक राजा यादव का इलाज बांदा जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज किया जा रहा है। वहीं मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीनों एक ही परिवार के थे, जो बबेरू कोतवाली क्षेत्र के पाली के पुरवा के रहने वाले हैं। यहां धान बेचकर जेवर गहन छुड़ाने के बाद गांव जा रहे थे, तभी देर शाम बाइक सवार तीनों को सुनहुली गांव के मोड़ के पास टक्कर मार दिया। लोग पाली के रहने वाले हैं, पाली के पुरवा के यादव लोग हैं। ये धान बेचा था इन्होंने और अपने जेवर जो गिरवी रखे थे वो जेवर छुड़ाए हैं और वापस घर जा रहे हैं। राजा यादव, सिकदार यादव, ये तीन लोग थे। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में ये दो लोगों की तो हालत बहुत गंभीर है, और जो राजा यादव 21 साल का है उसकी हालत कुछ ठीक है, उन्हें यहाँ से बांदा भेजा गया है। ये जो है घटना हुई पाली मोड़ के पास, लड़के घायल हैं और दो लोगों की मौत। आज बबेरू कमासिन रोड पर सतनियाओ मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों को एक चारपहिया वाहन से टक्कर लग जाने के कारण CHC ले जाते समय सुखराम यादव उम्र 47 वर्ष और सिकदार यादव उम्र 50 वर्ष की रास्ते में मृत्यु हो गई, तथा राजा यादव उम्र 21 वर्ष गंभीर रूप से घायल था, जिसे चिकित्सार्थ मेडिकल कॉलेज बांदा रवाना किया गया है। सभी तीनों व्यक्ति थाना बबेरू क्षेत्र के पाली का पुरवा गांव के बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त यह भी बात प्रकाश में आई है कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों के पास पैसे और गहने भी था, जिसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि गहना और पैसा उनके परिजनों को प्राप्त हुआ है अथवा अभी तक उनको नहीं मिल पाया है।